मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज सांसद की अभी अभी हुई अचानक तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। तो शॉप बता दें कि मध्य प्रदेश में हमेशा अपने बयानों और उसमें सुर्खियों में रहने वाले भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्होंने भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। इसकी जानकारी मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा है कि भोपाल स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचकर भोपाल बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कुशल क्षेम जाना तथा उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। बीते दिनों में बीजेपी कार्यालय में भी एक कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गई थी। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। वे लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं। साध्वी 2008 में मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट के दौरान सुर्खियों में आ गई थी, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा मकोका धारा के तहत आरोप छेड़ने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। सन 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उन्हें भारत शक्ति अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया गया था और अब वे महामंडलेश्वर स्वामी पूर्व चेतानंद गिरी के नाम से भी जानी जाती हैं।